दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, इसको लेकर नियोजित शिक्षकों में खुशी व्याप्त है। इस बाबत बिहार विधान परिषद के अपर सचिव ब्रजेश कुमार ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक समेत सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को पत्र जारी किया है, जिसमें 8 अगस्त तक ऐच्छिक स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी नहीं करने पर खेद जताया गया है और इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अवर सचिव ने लिखा है कि निवेदन समिति की 24 सितंबर को हुई बैठक में विषयांकित निवेदन पर विभागीय पदाधिकारी एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा मत प्रकट किया गया और निर्णय लिया गया कि विषयांकित निवेदन पर 23 जुलाई को बैठक आयोजित की गई थी और निर्णय लिया गया था कि 8 अगस्त तक ऐच्छिक स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए अखबारों में सूचना प्रकाशित की गई थी और आवेदन पत्र आमंत्रित कर 3 चरणों में स्थानांतरित किया जाएगा और ध्यान रखा जाएगा कि वह नियम के अंतर्गत हो। पत्र में कहा गया था कि इसके बावजूद बहुत जिलों में यह कार्य सम्पन्न नहीं हुआ, ऐसे में सभी उप विकास आयुक्त एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 15 अक्टूबर का अतिरिक्त समय दिया गया कि वे स्थानांतरण की कार्रवाई कर समिति को प्रतिवेदित करें। बता दें कि विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए 28 नवंबर 2017 को भी विधान परिषद में निवेदन प्रस्तुत किया था। बहरहाल जिले में भी नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला लंबित है। हालांकि अब अवर सचिव का पत्र आने के बाद शिक्षकों में ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर उम्मीद जागी है। जिले में वर्ष 2017 से ही ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से आवेदन लिए जा रहे हैं, हालांकि शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा। एमएलसी प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि जिले में प्लस टू विद्यालयों के शिक्षकों से 3 बार और माध्यमिक शिक्षकों से 2 बार आवेदन लिए जा चुके हैं, बावजूद शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा। माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों ने बताया कि इसको लेकर जब वे डीडीसी अरविंद कुमार से मिलते हैं तो वह जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा दस्तखत नहीं करने की बात करते हैं, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष सविता देवी कहती है कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। इस संबंध में उप विकास आयुक्त से संपर्क किया गया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग किस जिले से नियोजित शिक्षक हैं, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।